सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रीज देट आर कॉमनली कॉल्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्ग लिव्ड ऑर्गेनिज्म यानी वृक्ष जो कि सर्वाधिक ऊंचे और सर्वाधिक उम्र के जीव जाने जाते हैं तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे आप सभी ने पड़ा है जो हायर प्लांट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स को उनके स्वभाव के आधार पर या उनकी हैबिट के आधार पर उनको तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ या श्रेणियों में बांटा गया है उसमें से पहली श्रेणी कहलाती है हर्ब या शाकीय पौधे की दूसरी कहलाती है श्रब या शुभ या झाड़ी जिसे कहा जाता है और तीसरी कहलाती है ट्रीज या जिसे वृक्ष कहा जाता है और जो वृक्ष होते हैं उनकी जो सबसे खास बात होती है वो है कि इनमें बहुत ही डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है वेरी डीप रूट सिस्टम होता है और जिसके द्वारा वो वाटर का एब्जॉर्पन का काम बड़ी सुगमता से कर पाते हैं और दूसरी चीज़ उनके अंदर वेरी वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर सिस्टम होता है और ये जो वेरी वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर सिस्टम होता है इसकी सहायता से ये बड़े आराम से जो है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कंडक्शन ऑफ वाटर कर पाते हैं इसी के कारण ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसी के कारण ये लार्जेस्ट या टॉलेस्ट ट्रीज़ की कैटेगरी में रखे जाते हैं और दूसरी तरह के जो है कि लॉन्ग लिव्ड ऑर्गेनिज़म्स हाँ क्यों इन्हें लॉन्ग लिव्ड कहा जाता है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो हर साल होती रहती है और हर साल सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप इसके अंदर हर साल नए टिश्यूज़ इसके अंदर जुड़ते रहते हैं जिससे उसकी सरकम बढ़ती रहती है और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वो हमेशा क्रियाशील रहती है जिससे नई ब्रांचेस डेवलप होती रहती हैं तो इसके कारण इनका जीवन काल भी लंबा हो जाता है और जीवन काल भी हम ये कहें कि लंबा पाया जाता है और यही कारण है कि ट्रीज को लार्जेस्ट एंड लॉन्ग लिव्ड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है अब हम बात करेंगे हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर कौन से टॉलेस्ट ट्रीज हैं या जिन्हें हम कहें कि कौन से लार्जेस्ट ट्रीज हैं अगर हम कहें कि इसमें दोनों कैटेगरी के ट्रीज़ को रखा गया है इसमें एनजीओ स्पाम्प भी हैं और जिम्नोस्पाम्प भी हैं पर जिम्नोस्पाम्प्स अगर हम कंपेयर करें एनजीओ स्पाम्प से तो दे आर टॉलर देन एनजीओ स्पाम्प्स अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एनजीओ स्पाम्प है जिसे जो मिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है और उसका नाम है यूकेलेप्टस रेगनेंस और ये जो एनजी है यूकेलेप्टस रेगनेंस ये जो आप नाम यहाँ पर देख रहे हैं ये इसकी हाइट जो होती है करीब 325 फीट के करीब होती है और दूसरा जो जिम्नोसपम है वो है सिकोया सेमी परवायरेंस जिसे जर्मन चर्मन ट्री कहा जाता है इसकी हाइट है थ्री पॉइंट एट फीट तो आप यहाँ जब कंपेयर करें इन दोनों के अंदर तो जिम्नोसपम जो है यानी सिकोया सेमी परवास जो है इट इज़ टॉलर देन यूकेलेप्ट रेगनेंस इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रीज़ की और ये जो लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रीज़ में जो सबसे पहले जो नाम आता है वो है एक जिम्नोस्पाम का जिसका नाम है सिकोया जाइजेंटिया सिकोया जायजंटिया जो है इसकी एज जो है करीब थ्री हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड ईयर्स के करीब मानी गई है या आंकी गई है और ये जो ट्री है ये कैलिफोर्निया के सिकोया नेशनल गार्डन में उगा हुआ है और इसकी हाइट करीब 272 फीट है और इसका सरकम इज़ अराउंड 101.6 फीट का है इसके बाद हम दूसरे एक और जिम्नोसपम की बात करते हैं जो है टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम जो है इसकी एज करीब 2000 थाउजेंड ईयर्स के करीब मानी गई है और इसका जो सरकमफेरेंस है स्टेम का इट इज़ अराउंड 125 फीट और ये मेक्सिको के ऑक्साका में उगा हुआ है इसके बाद एक और जिम्नोस्पाम की हम बात करते हैं और वो जिम्नोस्पाम है पाइनस एरिस्टाटा ये जो पाइनस एरिस्टाटा है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीसरे नंबर पे जो नाम लिखा हुआ है ये जिम्नोस्पाम ये है पाइनस एरिस्टाटा दिस इज पाइनस एरिस्टाटा जिसकी एज करीब 4,000 थाउजेंड ईयर्स के करीब मानी गई है और ये इनायो नेशनल फॉरेस्ट कैलिफोर्निया में उगा हुआ है इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड कैनोपी कवरेज और इसमें जो नाम सबसे पहले आता है वो उस वृक्ष का आता है जो कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता के अंदर उगा हुआ है और वो नाम है एक बरगद के पेड़ का जिसे फाइकस बेंगालेंसिस कहा जाता है ये जो फाइकस बेंगालेंसिस ये जो ट्री है इस फाइकस बेंगालेंसिस की जो एज है वो लगभग दो हज़ार साल के करीब आ, मानी गई है और एरिया कवरेज जो है इसका मोर देन फोर एकर्स है यानी ये ट्री जो है ये करीब चार एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और इसकी लगभग सोलह सौ सो के करीब इसके अंदर प्रॉप रूट्स इसके अंदर लगी हुई हैं और इसका जो कैनोपी कवरेज या वितान का जो घेराव है वो करीब फोर हंड्रेड एंड फोर मीटर्स है यू कैन सी कि ये बिल्कुल एक अगर इसको देखें तो पूरा एक जो ये ट्री है ये पूरा एक डेंस फॉरेस्ट के समान प्रतीत होता है इसको देखें तो तो इसके बाद हम बात करेंगे एक और एनजीओ स्पम की जिसका नाम है एडेंसोनिया डिजिटाटा या जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है आपने सबने नाम सुना है कल्प वृक्ष ये जो कल्प वृक्ष है ये अजमेर जिले के मांगलियावास में उगा हुआ है और इसका बॉटनिकल नेम है एडेंसोनिया डिजिटाटा। ये जो एडेंसोनिया डिजिटाटा जो ये ट्री है ये इनके दो इसके अंदर जोड़े लगे हुए हैं जिन्हें करीब एक इन राजा और रानी कहते हैं दो संरक्षित ये कल्प वृक्ष हैं और जिनकी एज करीब नाइन हंड्रेड ईयर्स के करीब मानी गई है और अगर इनके तने के प्रकांड घेरे की बात करें या प्रकांड का घेरा या तने के घेरे की अगर बात करें तो इसके करीब पचास से साठ फुट इस पेड़ का घेरा है तो ये लोकल जो हमारा ट्री है एंड वेरी फेमस जो ये ट्रीज़ का जो जोड़ा है कल वृक्ष इसका सा आप सभी ने नाम सुना होगा क्योंकि ये लोकल हमारे अजमेर जिले में ही पाया जाता है मांगली आवास में इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे ओल्डेस्ट जिम्नोस्पम है वर्ल्ड का जिसे कहा जा जिस जिसका नाम है पाइनस लोंगीवा पाइनस लोंगेवा ये वो जिम्नोसपम है वो कोनीफर है जिसकी आयु करीब चार हजार नौ सौ वर्ष के लगभग आंकी गई है तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द लाइव एग्जाम्पल्स जो कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर ये जो ट्रीज हैं ये डिफरेंट एरियाज में ग्लोबली पाए जाते हैं और जो कि टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रीज माने जाते हैं दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर थैंक यू